जानते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में पानीपुरी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के कई मंत्री सड़क पर खड़े होकर आम लोगों की तरह जनता के बीच पानीपुरी का मजा लेते नजर आए हैं। कुछ दिन पहले भोपाल में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सड़क पर पानीपुरी का लुफ्त लेते नजर आए थे, तो अब ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने समर्थकों के साथ एक साधारण से कार्ड पर खड़े होकर पानीपुरी का आनंद लिया। दोनों ही मंत्री आम जनता में घुलते मिलते नजर आए। यह तो आप सभी जानते हैं कि साल 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पानीपुरी खाने वाले दोनों ही मंत्री हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर लौटे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं गुजरात चुनाव के बाद मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कहीं पानीपुरी का कोई कनेक्शन तो नहीं है। हाल ही में गुजरात चुनाव के मध्य प्रदेश से कई मंत्रियों ने पहुंचकर प्रचार की भागदौड़ संभाली। करीब 15 से 20 दिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार किया और माहौल को समझा। इसके पीछे दो कारण थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत दिखाना चाहती थी। दूसरा, आने वाले साल 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। यही कारण है कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर के हजीरा इंटर मैदान में सड़क पर खड़े होकर पानीपुरी खाई है। दोनों ही मामलों में एक खास बात थी कि दोनों ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आमजन के बीच घुलते मिलते नजर आए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रविवार को अपनी ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के हजीरा में इंटक मैदान पर राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को देखने के लिए पहुंचे थे। यहां एक भव्य राम मंदिर बनने की कवायद चल रही है। वहां से लौटते समय उन्होंने इंटक मैदान के कोने पर एक पानीपुरी वाले को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पानीपुरी का आनंद लिया। एक बार पानीपुरी खाना शुरू ही किया तो खाते ही चले गए। यहां वह आसपास खड़े लोगों के साथ घुलते मिलते भी नजर आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर फिर ऊर्जा मंत्री का यह अंदाज वायरल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में चाट विशेषकर पानीपुरी बहुत पसंदीदा फूड में से है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार के दो मंत्री गुजरात से लौटने के बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और पानीपुरी के रास्ते आम लोगों के बीच पहुंचकर उनका मन भी टटोलते नजर आए। जब इस मामले में ऊर्जा मंत्री से बात की गई तो उनका कहना था कि वह इंटक मैदान से निकल रहे थे, पानीपुरी का ठेला देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और उसका आनंद लिया।